एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में दबंगों ने माले नेता सहित तीन लोगों को गोली मारी है। गोली लगने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला भी शामिल है। तीनों घायलों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। गांव के दबंगों ने पीड़ित परिवार के पुलाव के ढेर में बीती रात आग लगा दी थी। जब पीड़ित परिवार से माले नेता जयशंकर पंडित मिलने पहुंचे, उसी दौरान दबंगों ने घर पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। घटना धरौंदा थाना क्षेत्र के रामगरई गाँव की है। घायलों में माले नेता जयशंकर पंडित, मोनू कुमार और सीता देवी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात गांव के दबंगों ने पीड़ित परिवार के मकान के पास रखे पुलाव के ढेर में आग लगा ली थी, जिसको लेकर दबंग ने पीड़ित परिवार में कहासुनी हुई थी। इस मामले को लेकर आज सुबह दोनों पक्ष के बीच पंचायती होनी थी। वहीं जब पीड़ित परिवार से माले नेता जयशंकर पंडित जो है पंडित मिलने पहुंचे, तो दबंग ने पीड़ित परिवार के मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें माले नेता सहित तीन लोग जो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में तीनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। माले नेता जयशंकर पंडित के पैर में गोली लगी है। वहीं पीड़ित परिवार मोनू कुमार के सीने में और गोली लगी है। वहीं घायल युवक अपने मामा के घर आया हुआ था और घायल महिला अपने मायके आई हुई थी, लेकिन दोनों दबंगों के गोली के शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुड़ी हुई है कि आखिर मामला क्या है। पर देख सकते हैं कि माले नेता जयशंकर पंडित के पैर में गोली लगी है। उसे मिलने के लिए कई माले के बड़े नेता भी पहुंचे हुए हैं। ये गोली कैसे लगा है, कौन मारा है आपको? ये मामला रात को एक पकोलिया पंचायत का टोला है, रामगढ़ई टोला। वहाँ 5-6 घर ही दलित लोग हैं और उन दलितों के परिवार में वहाँ के राजपूत लोग सामंती अपराधी ताकतों ने रात को आग लगा दिया था उनके गांव में। इसी को लेकर के उस दलित परिवारों ने उनको थाना में आवेदन दिया और आज सुबह 9 बजे मुझे कॉल करके बुलाया कि आइए, थोड़ा सा मामला इस तरह का है। जब हम 9 बजे वहाँ पहुँचे तो 10-15 की संख्या में अपराधी तत्व आ गए और लाठी डंडा से लेकर मारपीट करने लगे, और खास करके मेन टारगेट मेरा ही था। और जैसे ही हम घर में जाकर के छुपे, उस घर में भी उन्होंने 7-8 फायरिंग किया, जिसमें मेरे एक पैर में और एक लड़के को उनके सीने में और एक औरत को उनके पैर में लगा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि पूरी तौर पर मुझे मेरी हत्या करने की साजिश थी, लेकिन हम इस हत्या से नहीं डरे हैं क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है दलितों की लगातार हत्या। उसी समान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन दलित की हत्या कर दिया गया था। हत्या करके रास्ते पर उसके शव को फेंक दिया गया था, लेकिन अभी प्रशासन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके वजह से उन अपराधी तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पंचायती करने के लिए बुलाया था लोग गोली मारने की नियत से? हाँ, हम तो केवल गए थे कि भाई दलितों से मिलेंगे, क्या मामला है जानेंगे, लेकिन उन सामंती ताकतों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमको देखते ही वो लोग गाली गलौज करने लगे, ईंटा पत्थर चलाने लगे। उसके बाद मेरे देख एकदम टारगेट करके उन्होंने सीना पर गोली चलाया, तब हम अपने आप से बचे, लेकिन उन्होंने तब फिर हम घर में जाके छुपे और घर के ऊपर में बने हुए थी से ग्रिल से उन्होंने मुझे टारगेट करते हुए 7-8 गोलियां चलाई जो मेरे एक पैर में लगा। कई आदमी को लगा है गोली? 3 आदमी को गोली लगा। क्या नाम है उनका? नाम अभी हम बता देंगे, मोनू और एक उनकी माँ है जो उनका मायका है, उनको 2 लोगों को और गोली लगा हुआ। ठीक ठीक। विवाद पहले से तो नहीं था, लेकिन ये रात को क्या हुआ कि जो पेटारी वाला गांज था वो लोग रखे थे, वो आकर धरा दिए और पूछे कि भाई क्यों धरा दिए। कौन लोग धराया था? वो धन कुमार सिंह। अच्छा। और उनके साथ में कम से कम 20 आदमी थे, हथियार के साथ में भी आए थे और पकड़ के भी मारे और घर में भी मारे। और सुबह बोला रहे थे अपना द्वार पे अति बुला रहे थे कि चलिए वहाँ पे एती है, मीटिंग है, मतलब कुछ पंचायती है। वो नहीं जाने के कारण
फिर आकर घर में गोली बंदूक चलाने लगा, जिसमें 2-3 आदमी का लग गया। विवाद किनसे था आप लोग का? धन कुमार सिंह से। आपके घर से? जी। जमीन के लेकर? नहीं, जमीन कुछ भी नहीं लगा था। जमीन के लेकर नहीं कुछ है? भी नहीं सर। पहले से कोई विवाद? कोई विवाद नहीं है पहले से। कई लोगों को गोली लगा है? 3 लोगों का गोली लगा है। क्या नाम है? एक को जय शंकर पंडित और एक को सीता देवी। इनका घर कहाँ है? महिला को जो लगा है, इनका घर इटहरी है। ये अपना मायके पास आई थी। आप ही के घर ना? जी। क्या लगती है वो? वो दीदी लगे। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुनीश कुमार।